हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। आई एम शेफ कृष्णा और आज मैं लेकर आई हूँ यमी डिलीशियस एक रेसिपी। फ्रेंड्स, ये बहुत यमी है और बहुत स्वादिष्ट। सो फ्रेंड्स, आज हम लाए एक बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी और इतना यमी है, डिलीशियस है। कई तरह से बनाया जाता है पनीर और आज हम अपने तरीके से बना रहे हैं पनीर महारानी। सो ये पनीर महारानी कैसे बनता है हम आपको वीडियो में टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताएंगे। एकदम डिफरेंट इसका फ्लेवर होगा और बिल्कुल डिफरेंट इसका टेस्ट होगा। सो फ्रेंड्स, पनीर को ऐसे बनाकर देखिए, बहुत यमी होता है, बहुत डिलीशियस होता है। वीडियो में बने रहें, टिप्स और ट्रिक्स के साथ हम आपको शेयर करेंगे ये रेसिपी। इन्ग्रीडियंट नोट कर लीजिएगा और बना डालिएगा ये यमी डिलीशियस पनीर महारानी। सो फ्रेंड्स, बहुत यमी है और एक डिफरेंट वे से हमने बनाया है। मटर पनीर आपने खूब खाए होंगे, लेकिन ये पनीर मटर से भी बनेगा बट डिफरेंट तरीके से। सो इस तरह से बना के देखिए, बहुत क्रीमी और बहुत यमी ये पनीर महारानी। सो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो में हमारे साथ में। हम आपको शेयर करेंगे कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट लगते हैं और किस तरह से ये डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। सो ये उतना यमी बन जाता है जितना आप उंगलियां चाटते रह जाएं, बिल्कुल ऐसा। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ में। हम लाते हैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर रेसिपी और स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको ये अच्छे से एग्जैक्टली जैसा हमने दिया है वैसा बन जाए। सो मैजिक किचन के साथ बने रहने के लिए आप सभी का हार्दिक शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हमें लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। बने रहिए शेफ कृष्णा के साथ मैजिक करने के लिए रेसिपीज में। मैजिक किचन लाते हैं मैजिकल रेसिपीज। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल मैजिक किचन ऑफ कृष्णा फॉर मोर वीडियोस। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं मसाला। हम यहाँ ले रहे हैं टोमेटो। इस तरह से हमने ऊपर का पोर्शन कट कर दिया और साइड हमने कट लगाया। इसे हम बॉइल करेंगे और उसके बाद स्किन को हम निकाल देंगे। टोमेटो के साथ ही हम फास्ट कुकिंग कर रहे हैं, इसलिए हम एक कप हमने मटर ले लिया है और थोड़ा सा सॉल्ट। इसको हम उबाल आने तक इसको अच्छे से पकाएंगे। और ये हमने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू और मगज के बीज। तो बादाम, काजू और मगज ये भी हमें ग्राइंड करना है, पीसना है। उससे पहले इसको भी हम बॉईल करेंगे, बट हम डायरेक्टली बॉईल नहीं करेंगे, इसमें गर्म पानी ऐड कर देते हैं। तो ये 10 मिनट में बिल्कुल अच्छे से छिलका उतर जाएगा और ये अच्छे से जो है सॉफ्ट हो जाएंगे। सो देखिए, हमें इस तरह से सॉफ्ट कर लेना है टोमेटो और मटर को। उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसे छान लेंगे। टोमेटो को हम इसका छिलका उतार देंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट बने। यदि छिलका समेत हम इसको ग्राइंड करते हैं तो जो ग्रेवी बनती है वो सॉफ्ट नहीं होती। तो देखिए, स्किन हमने उतार दिया है। टोमेटो को हम अलग से पेस्ट बनाएंगे और हमने बना लिया है बादाम और मगज का पेस्ट। अब हम बना रहे हैं टोमेटो का पेस्ट और अब हम बनाएंगे चिली और बॉइल्ड मटर का पेस्ट। तो ये तीन अलग अलग पेस्ट हमने तैयार किया। बादाम, काजू और मगज का पेस्ट अलग है, टोमेटो का पेस्ट अलग है और मटर और चिलीज का पेस्ट अलग है। हमने 5 चिली ली थी और 1 कप मटर। चलिए, हमने ऑयल ले लिया, उसमें डाल देते हैं नमक, कश्मीरी लाल मिर्च। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर और इसको हम 30 सेकंड के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पनीर को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसको जस्ट 30 सेकंड के लिए हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है ताकि ये जो मैरिनेशन है ये पनीर के ऊपर अच्छे से आ जाए और पनीर सॉफ्ट हो जाए। हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। सो इसको हम पका लेते हैं।
काजू के पेस्ट के बाद ग्रेवी में थिकनेस आ जाती है। ये हमारा ग्रीन चिली और वाइल्ड मटर के पेस्ट हैं। तकरीबन हमारा 1/4 कप। Doing crazy dreaming.
बनाइए। इंग्रेडिएंट आपके पास अवेलेबल होगा, बहुत यमी है, बहुत डिलीशियस है। हम लाते हैं आपके लिए हमेशा एक नई रेसिपी, एक नए तरीके से, एक नए स्वाद के साथ। आप हमें बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी, शेयर कीजिएगा अपने अनुभव, और हम लाते रहेंगे आपके लिए नई नई रेसिपी। फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर एक नई रेसिपी के साथ। बने रहिएगा मैजिक किचन के साथ। मैजिक किचन को आपने जो ढेर सारा प्यार दिया है उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि इस रेसिपी का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों उठा पाएँ और वो भी इसी तरह रेसिपी बना पाएँ। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए शुक्रिया।